अब जब हम डीएनए और आरएनए की संरचना जान गए हैं, आइए अब इन अणुओं के कार्य के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि वे अनुवंशिकता को संक्रमित करने में कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सारी कोशिकाओं में, फिर वो कोशिका बैक्टीरिया की हो या फिर किसी हाथी की क्यों न हो, सेंट्रल डॉग्मा पाया जाता है। कोशिका में स्थित डीएनए द्वारा आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए प्रथिनों का निर्माण करता है, जो वास्तव में कोशिका का कार्य माना गया है। जबकि किसी नई कोशिका की निर्मिति करनी होती है, तब डीएनए की नकल की जाती है और उसे नई कोशिका में संक्रमित किया जाता है। इस नई कोशिका में ये डीएनए आरएनए के निर्माण में इस्तेमाल होता है और फिर आरएनए द्वारा प्रथिनों का निर्माण होता है। अगर इस वीडियो के आरंभ में दिया गया उदाहरण आपको याद होगा तो आपको जरूर याद होगा कि हमने आरएनए को डीएनए की फोटोकॉपी कहा था। जिस प्रक्रिया द्वारा यह होता है उस प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहा जाता है। क्या प्रतिलेखन का, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, अर्थ पता है? इसका अर्थ है लिखित या मुद्रित संस्करण। उदाहरणार्थ, इस वीडियो में जो कुछ आप देख रहे हैं, अगर आप उसी समय लिख भी रहे हैं तो आप प्रतिलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं। उसी प्रकार प्रतिलेखन की प्रक्रिया में डीएनए के धागों द्वारा आरएनए इस संदेश वाहक की निर्मिति होती है। प्रतिलेखन के दौरान डीएनए का एक भाग खुल जाता है और उसके दो धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बड़ा एंजाइम, जिसे आरएनए कहते हैं, पॉलीमरेज होता है और बाद में उसका संश्लेषण होना शुरू होता है, जो डीएनए के धागों के साथ पूरक होते हैं सिर्फ एक धागे से। ये प्रक्रिया केंद्रक में घटती है और फिर आरएनए केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य में आता है। इसके बाद भाषांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भाषांतरण के दौरान न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम के आधार पर आरएनए पर प्रथिनों के संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और प्रथिन ही वो महत्वपूर्ण कर्मचारी होते हैं जो कोशिका के हर एक कार्य को करते हैं, क्योंकि ज्यादातर एंजाइम प्रथिन होते हैं और वे कोशिका में घटने वाले सारे जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। प्रथिन अमीनो अम्ल से बनते हैं। डीएनए की तरह वे पॉलीमर होते हैं, पर प्रथिन के मोनोमर अमीनो अम्ल होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड से रासायनिक तौर पर भिन्न संरचना वाले होते हैं। यहां हम विभिन्न अमीनो अम्ल देख सकते हैं जो प्रथिन बनाते हैं। भाषांतरण के दौरान मैसेंजर आरएनए, जो प्रतिलेखन डीएनए की फोटोकॉपी के समय संश्लेषित किया गया है, उसका उपयोग एक नमूने के तौर पर प्रथिनों के निर्माण में किया जाता है। यह प्रक्रिया उबड़ खबड़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में घटती है। उबड़ खबड़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो उपइकाइयां होती हैं। मैसेंजर आरएनए छोटी उपइकाई में संगठित होता है और बड़ी उपइकाई उससे संलग्न हो जाती है। इसे प्रतिलेखन प्रक्रिया का आरंभ, इनिशिएशन कहते हैं। भाषांतरण के दौरान आरएनए के तीन बेसिस पढ़े जाते हैं और एक अमीनो अम्ल की श्रृंखला का संश्लेषण होता है। इसकी एक निर्धारित पद्धति या संकेतावली होती है, जैसे जनुकीय संकेत कहा जाता है। इस प्रक्रिया को भाषांतरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में न्यूक्लियोटाइड्स की भाषा पढ़कर प्रथिनों को अन्य भाषा में संश्लेषित किया जाता है, मुख्य रूप से अमीनो अम्ल में। प्रतिलेखन ये प्रक्रिया एक से वन टू वन होती है। डीएनए के नमूने के आधार पर आरएनए की निर्मिति होती है, जिसमें एक समय में बस एक ही न्यूक्लियोटाइड्स की निर्मिति होती है। अगर डीएनए में 30 मूल जोड़ियां हैं जिसका प्रतिलेखन करना है, तो आरएनए के धागे में 30 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। भाषांतरण में यह प्रक्रिया 3 से 1 इस पद्धति से होती है। मैसेंजर आरएनए का धागा 3 बार पढ़ा जाता है और उसके अनुसार प्रथिनों की निर्मिति होती है। अगर 30 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो प्रथिनों में 10 अमीनो अम्ल होंगे। उत्परिवर्तन, यदि प्रतिकृति के दौरान डीएनए में अगर कोई बदलाव आता है या कोई गलती हो जाती है, तो इसके कारण अमीनो अम्ल के क्रम में परिवर्तन आता है, जिसके कारण प्रथिनों में स्थित अमीनो अम्ल के क्रम में भी परिवर्तन आता है। इस प्रकार प्रथिनों की संरचना और कार्य प्रथिनों में अमीनो अम्ल के क्रम के कारण प्रभावित होती है।